हमारी लाइफ बोरिंग क्यों हो रही है? क्या आपने सोचा कि हमारी लाइफ आखिर बोरिंग क्यों हो रही है? क्यों हमारी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? क्यों हमारे अंदर वो आलस है? जबकि हम सब कुछ सही करते हैं फिर भी आलस है, सब कुछ आलसपन में है, कुछ नहीं कर पाते। आज के नौजवान लोग क्यों आलस में है? क्या आपने सोचा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्यों हमारी लाइफ बोरिंग हो रही है। ये सभी के साथ होता होगा, जो मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सभी के साथ होता होगा। आप सुबह उठे, जो दिन भर जोर करते हैं, आप जो दिन भर करते हैं वो डेली वही चीज़ होती है। आप देखा करिए कि क्या आज हमने सुबह से रात तक जितना भी चीज़ किया उसमें कोई इंटरेस्ट चीज़ या इंटरेस्ट ऐसा चीज़ लगा? क्या वही चीज़ हो रही है? फिर दूसरे दिन देखिए क्या वही चीज़। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हो एक दिन दो दिन, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ बोर हो रही है। अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में रोज़ आपको कोई नया इंटरेस्ट लाना है, अपने आप में ही इंटरेस्ट लाना है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट करते रहना है आपको। अपना जो दिमाग होता है ना कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर यदि आपको टेंशन होती है ना, तो एक टेंशन के साथ कई कई टेंशन दिमाग में आती रहती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अपना दिमाग जो होता है कंप्यूटर की तरह होता है। जब हम कंप्यूटर में किसी वर्ड को सर्च करते हैं तो उसके कई ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। उसी तरह सेम हमारे दिमाग में भी होता है। जैसे कि हमारे सामने टेंशन आती है तो उसके सारे फोल्डर दिमाग के सामने आ जाते हैं और वही टेंशन हमारे दिमाग में घूमने लगती है। इसलिए हम तब सोच में परेशान हो जाते हैं, अपनी आलसपन आ जाता है, टेंशन लिया दिमाग को अपने काम करना बंद कर देते हैं। ये सब चीज़ों को हमें रोकना है, सही समय में हमें रोकना है। ये टेंशन कैसे अपन हटाए, टेंशन को कैसे हटाए? अपन को अपनी रोज की लाइफ में क्यों इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट वाली चीज़ें करना है जिससे हमारी लाइफ में इंटरेस्ट आ जाए। आपको रोज डेली जो लाइफ में चल रहा है उसमें चेंजिंग लाते रहना है, इससे अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं होने देना। यदि आपकी लाइफ बोरिंग होगी तो आपकी जो सर्कल है, टेंशन का जो सर्कल है आपके दिमाग में घूमता रहेगा, प्रॉब्लम का जो सर्कल है आपके दिमाग में घूमता रहेगा, आपके जितने भी परेशानियां हैं तकलीफ दुख सबका टेंशन आपके दिमाग में घूमने लगेगा। इसलिए आपको रोज नई नई चीज करना है, नई नई इंटरेस्ट चीज़ें करना है, वही वही चीज़ें को बार बार रिपीट नहीं होने देना। जब ये आप कर लेते हैं तो आपके दिमाग में आप देखते हैं ये नई नई चीज़ें होती हैं तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, आपके दिमाग में नई नई सोच आने लगती है, आपको अंदर से खुशी महसूस होने लगती है, आपको अंदर से कभी खुशी महसूस होने लगती है। कभी कभी आप लोगों के साथ ये होता होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, उलझन होती होगी, आपको पता है क्यों होती है? बस जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी जो डेली लाइफ में जो बोरिंग चीज़ें हो रही हैं, जो सेम चीज़ें हो रही हैं, वही चीज़ आपको आलसी और अच्छा मन न करने वाली चीज़ें हो रही हैं, उसको आप दूर करके आपने देखा होगा कि यदि आप घर में हैं है ना, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है। हाँ, ऐसे ही आप कहीं चले जाते हैं, अचानक से आप कहीं चले जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड मिल जाता है उसके साथ रहते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। सोचा आपने क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नहीं आया हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारे दिमाग में हलचल जो थी वो रुक गई है, जो हलचल थी वो शांत हो गई है, वो दिमाग जो वो आसान तरीके से काम नहीं करके शांत हो गया है। तो आपको इसी में फर्क समझना है कि यदि हम अपनी डेली लाइफ में वही वही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। यदि हम अपनी लाइफ में रोज डेली कुछ ना कुछ न्यू अपनी लाइफ में डेली कुछ न्यू करेंगे तब हमारी लाइफ में इंटरेस्ट आएगा। हम अपने अंदर के आलसीपन को कैसे दूर कर सकते हैं, अंदर के आलसपन को कैसे दूर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुनो, अपने यदि आलसपन को दूर करना हो तो सुनो, यदि आप डेली जो काम कर रहे हैं उससे आपको वही बार बार रिपीट हो रहा हो तो समझ जाना कि ये हमारे आलस का कारण है। इसलिए आप उससे अलग कुछ करिए, अलग जाइए, अलग जगह घूमिए, अलग जगह कुछ करिए, इससे आपका दिमाग जो होगा एकदम शांत हो जाएगा। और दिमाग को एकदम शांत रखिए, किसी कोई टेंशन ना लीजिए। जब भी आपके दिमाग कोई टेंशन आए तो दिमाग में एक प्लेस करिए कि बस आपको नई सोच, अपने उस माहौल को याद करना है जब आपके इंटरेस्टिंग लम्हे चल रहे होते हैं, उस लम्हे को याद करो, यादों वाले लम्हे को नहीं, इंटरेस्टिंग लम्हों को याद करो। जैसे आप इंटरेस्टिंग लम्हों को याद करेंगे तो आपके दिमाग में टेंशन है जो आलसी पर आपके शरीर में वो भी दूर हो जाएगा। हमारे जो बॉडी है हमारे दिमाग से पूरा कॉन्टेक्ट रहती है, कनेक्ट रहती है। जिस तरह हमारा दिमाग चलेगा उसी तरह हमारी बॉडी चलेगी। जब हमारा दिमाग जल्दी जल्दी प्रेफर करने लगेगा, आपस में बड़बड़ाने लगेगा, तो हमारी बॉडी भी थक जाएगी बिना कुछ काम के हमारी बॉडी थक। इसलिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को शांत रखना है। जितना आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे उतने ही अपन अपने आलसीपन को दूर कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब आप अपने उस लम्हा को याद करके खुश होंगे। यदि आपको कोई चीज़ की टेंशन हो, यदि आपको कोई व्यक्ति ने फिर बुरा कह दिया हो, कोई दोस्त ने आपको कह दिया कैसा वो चीज़ यदि आपको बुरी लग गई हो तो आप उसको सोच में डूब जाते हैं। उस सोच में आप उस सोच को हटाने के लिए उस दोस्त के अच्छे पल जब उसके साथ आपने बिताए अच्छे पल उसको याद करिए। जब आप जैसे ही उस पल याद करते हैं आप देखेंगे कि जो भी बुराई थी वो हटते जा रही है, वो दिमाग से डिलीट होते जा रही है। तो यही चीज़ आपको अपने डेली लाइफ में करना है।